पासपोर्ट साइज फोटोज ऐसे फोटोज हैं जिनकी आपको कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। पासपोर्ट फोटोज को काफी जगह यूज किया जाता है, जैसे कि बैंक में आपको कोई पर्सनल डॉक्यूमेंट तैयार कराना हो, किसी कॉलेज स्कूल या फिर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना हो, आपको कोई फॉर्म फिल करना हो, तो आपको पासपोर्ट फोटोज की जरूरत होती है। आप पासपोर्ट फोटोज बिना किसी स्टूडियो जाए घर बैठे ही खुद से तैयार कर सकते हैं। पासपोर्ट फोटोज को तैयार करने का प्रोसेस काफी इजी है। मैंने कुछ पासपोर्ट फोटोज तैयार किए हुए हैं। आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से अपने पासपोर्ट फोटोज तैयार कर सकते हैं। इनको तैयार करने के लिए काफी बेसिक प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइज, वेलकम बैक टू वन सॉल्यूशन, मैं हूं प्रिंस, और आज की वीडियो में हम पासपोर्ट फोटोज को तैयार करने का कम्प्लीट प्रोसेस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। अब पासपोर्ट साइज फोटोज बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक बेसिक सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ, जिसका नाम है एडोबे फोटोशॉप 7। आप इस सॉफ्टवेयर से काफी आसानी से अपने फोटोज की बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। अब पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आपके पास एक फोटो होना जरूरी है। फोटो ओपन करने के लिए आप यहाँ कंट्रोल ओ का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप फाइल में जाकर ओपन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने फाइल फोल्डर ओपन हो जाएगा। आपने जहाँ भी अपने फोटोज को सेव किया हुआ है आप उनको ओपन कर लें, आपके सामने फोटोज आ जाएंगे। ध्यान रहे, जब भी आप पासपोर्ट साइज फोटोज के लिए अपना फोटो क्लिक करें तो आपकी बैकग्राउंड एक ही कलर की हो और आपके दोनों कान और शोल्डर्स विजिबल हों। एक स्ट्रेट पोस्टर में अपना फोटो क्लिक कर लें। इसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के लिए आपको इस फोटो को क्रॉप करने की जरूरत होगी। तो क्रॉप करने के लिए आपको यहाँ एक टूल बॉक्स मिल जाएगा। इस टूल बॉक्स में आपको एक टूल दिया गया है क्रॉप, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप इस क्रॉप टूल को अपने कीबोर्ड से सी प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। क्रॉप टूल को एक्सेस करने के बाद आपको यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटोज का साइज फिल करना होगा। साइज फिल करने के लिए आपको यहाँ विड्थ और हाइट दी गई है, जहाँ पर आपको अपने फोटो को क्रॉप करने वाला साइज फिल करना होगा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब पासपोर्ट साइज फोटो का जो साइज होता है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। विड्थ में आप टाइप करेंगे 1.2 टाइप करने के बाद आप यहाँ पर आयन फिल करेंगे, आपका पासपोर्ट फोटो का साइज इंचेस में फिल हो जाएगा। इसके बाद हाइट में आपको यहाँ पर 1.5 फिर इसके बाद आयन फिल करना है, तो आपका पासपोर्ट फोटो का साइज फिल हो जाएगा। आपको यहाँ रेजोल्यूशन में 300 रखना है। इसके बाद आप अपने क्रॉप टूल को अपने फोटो के ऊपर लेकर आएंगे, अपने माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे और इस तरह से आप अपने माउस को ड्रैग कर देंगे। ध्यान रहे, जब भी आप अपने फोटो को क्रॉप करें तो आपके दोनों शोल्डर बराबर होने चाहिए। आप इसको अपने कीबोर्ड से लेफ्ट राइट और अप डाउन वाली की से भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आप माउस की हेल्प से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको कॉर्नर से पकड़कर यहाँ से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग फोटो को जितना भी क्रॉप करना चाहते हैं आप उसको सेलेक्ट कर लें, फिर एंटर पर प्रेस करें, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटो तैयार हो जाएगा। अब इस फोटो की काफी सारी कॉपीज बनाने के लिए हमें एक न्यू शीट की जरूरत होगी, तो आप यहाँ फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन भी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको न्यू शीट का एक साइज फिल करना होगा, जो नॉर्मल प्रिंटर हम घर में या फिर शॉप पर यूज करते हैं उनमें A4 शीट यूज की जाती है। A4 यानी कि 8x12। आप यहां पर विड्थ को 8 रखेंगे, हाइट को यहां पर 12 रखेंगे और रेजोल्यूशन को यहां 300 रहने देंगे। मैं यहां पर 8 टाइप करता हूं, ये वाला साइज आपका इंचेस में होगा। फिर यहां पर मैं 12 टाइप करता हूं, ये भी इंचेस में होगा। इसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं 300 रिजोल्यूशन ऑलरेडी है। आपको यहां कंटेंट में व्हाइट पर क्लिक करना है, हमें न्यू शीट व्हाइट चाहिए। सब चीजें फिल करने के बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। अब आपको इस वाले फोटो को इस वाली शीट पर ड्रैग करना है, तो इसको ड्रैग करने के लिए आपको इस टूल बॉक्स में एक टूल मिलेगा, मूव टूल। आप इसको अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, फिर अपने फोटो पर लेफ्ट क्लिक करें। फोटो पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप अपने माउस को न्यू शीट पर लाकर छोड़ दें, आपका फोटो न्यू शीट पर मूव हो जाएगा। अब हमें पासपोर्ट साइज फोटो पर स्ट्रोक की जरूरत होती है, यानी कि हमें इस पासपोर्ट साइज फोटो पर एक बॉर्डर लेकर आना है। इस पासपोर्ट साइज फोटो पर बॉर्डर लाने के लिए आप यहां एडिट में जाएंगे, आपको यहां एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्रोक, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आप कलर ब्लैक रखेंगे, क्योंकि ज्यादातर पासपोर्ट साइज फोटोज पर जो बॉर्डर होता है वो ब्लैक कलर का होता है। आप इसको ओके करें। इसके बाद यहां पर आप इसके पिक्सल को सेलेक्ट कर लें, 2 या 3। आप अपने
अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना साइज फिल कर लें। यहाँ पर आप सेंटर पर क्लिक रखें और ओके पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हमारे फोटो के चारों तरफ एक बॉर्डर आ गया है। अगर आपको अपनी सीट को जूम इन या फिर जूम आउट करना है तो आपको यहाँ टूल बॉक्स में एक ऑप्शन मिलेगा जूम टूल, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको जूम इन करने के लिए आप इस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं ये प्लस वाला जूम टूल हमारे पास है। अगर इसको जूम आउट करना है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है माइनस वाला जूम टूल, आप इस पर क्लिक करें। फिर आप अपनी न्यू सीट पर क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होने लगेगा। अब हमें इस फोटो को अपनी सीट पर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करने के लिए आप फिर से मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे, जो कि आप अपने कीबोर्ड से वी प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप टूल बॉक्स से ये सेकंड वाला टूल सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आप अपने फोटो पर क्लिक करें और इसको जहां आप मूव करना चाहते हैं इसको वहां पर एडजस्ट कर दें। आप अपने कीबोर्ड से लेफ्ट राइट वाली की से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमें इस फोटो की कॉपीज तैयार करनी है। कॉपीज तैयार करने के लिए आपको अपने टूल बॉक्स से मूव टूल को सेलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट को प्रेस करना है। ऑल्ट के साथ आप शिफ्ट को भी प्रेस कर लें। फिर अपने फोटो पर लेफ्ट क्लिक करें और अपने माउस को मूव कर दें। आप देख सकते हैं आपके फोटो की एक और कॉपी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट दबाकर आप अपने फोटोज की बाकी कॉपीज भी तैयार कर सकते हैं। आप जितनी भी कॉपीज चाहते हैं इसकी कॉपीज तैयार कर लें। जब आपकी एक रो फुल हो जाए तो इसके बाद आपको यहां से रेक्टेंगुलर टूल को सेलेक्ट करना है, जो कि आप एम प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आप अपनी रो को सेलेक्ट करें। इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद आप यहां पर कंट्रोल शिफ्ट सी दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट सी प्रेस करने के बाद आप यहां कंट्रोल वी करेंगे तो आपकी ऊपर वाली रो की पूरी कॉपी हो जाएगी। इसके बाद आप मूव टूल को यहां से सेलेक्ट करें और आपने जो भी कॉपी की है आप उस पर क्लिक करें और इसको नीचे ड्रैग कर दें। आप देख सकते हैं हमारी एक और फोटो की रो तैयार हो गई है। इस तरह से आप अपने काफी सारे फोटोज तैयार कर सकते हैं। आप इसको कीबोर्ड की अप डाउन की से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद रो की एक और कॉपी बनाने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ओल्ड प्रेस करें, माउस से लेफ्ट प्रेस करें और लेफ्ट प्रेस करने के बाद अपने माउस को आप मूव करेंगे तो आपकी एक और कॉपी तैयार हो जाएगी। इस तरह से आप अपने फोटोज की काफी सारी रो तैयार कर सकते हैं। आप जितनी कॉपी बनाना चाहते हैं आप अपने फोटो की उतनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं। कॉपीज तैयार हो जाने के बाद अब इस शीट को हमें सेव करना होगा। सेव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर सकते हैं या फिर आप फाइल में जाकर सेव एस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप इसको PSD फाइल में सेव करते हैं तो आपने जो भी सीट तैयार की है उसमें बाद में आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी सीट को प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पर JPEG सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद अपने फाइल को यहाँ पर नाम दे सकते हैं। मैं इसको पासपोर्ट नाम दे देता हूँ। फिर आप सेव पर क्लिक करेंगे, आप इसको यहाँ से मैक्सिमम रखेंगे, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी सीट सेव हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी सीट तैयार हो गई है। अब इसको प्रिंट करने के लिए आप यहां से डायरेक्ट इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें, आपके सामने प्रिंटर का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर आप अपने प्रिंटर को सेलेक्ट करें। इसके बाद आप यहां प्रिंट पर क्लिक करके अपनी सीट को प्रिंट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट फोटोशॉप से भी अपनी सीट को प्रिंट कर सकते हैं। इसको प्रिंट करने के लिए आप यहां फाइल पर क्लिक करें, प्रिंट विद प्रीव्यू करें। प्रिंट विद प्रीव्यू करने के बाद अगर आपकी सीट यहां पर ठीक से फिट नहीं होती है तो आप यहां स्केल टू फिट मीडिया पर क्लिक करें, आपकी सीट फिट हो जाएगी। आप प्रिंट पर क्लिक करें तो आप डायरेक्ट फोटोशॉप से भी अपनी पासपोर्ट साइज फोटोज की सीट को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने फोटो में कोई कलर करेक्शन करनी है, आपका फोटो व्हाइट है या फिर डार्क है, तो आप यहां इमेज में जाएंगे, फिर एडजस्टमेंट में जाएंगे, आप यहां पर कर्व्स पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस करके भी इस वाले टूल बॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इस वाली लाइन को यहाँ पर अप करते हैं तो आपका फोटो व्हाइट हो जाएगा, और अगर आपका फोटो व्हाइट है उसको थोड़ा डार्क करना है तो आप इसको यहाँ डाउन कर दें तो आपके फोटो में थोड़ी डार्कनेस फील हो जाएगी। अपने अकॉर्डिंग कलर को एडजस्ट करने के बाद आप यहाँ ओके पर क्लिक करें, आपके फोटो में कलर करेक्शन हो जाएगी। अगर आप अपने फोटो के कलर को लेवल में लाना चाहते हैं तो आप यहाँ इमेज पर आएं, एडजस्टमेंट पर जाएं, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा लेवल्स, आप कंट्रोल एल प्रेस करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने फोटो के कलर को लेवल कर सकते हैं। अगर आपको अपने फोटो की बैकग्राउंड चेंज करनी है तो आपको इस टूल बॉक्स से मैजिक टूल को सेलेक्ट करना होगा, जो कि आप अपने कीबोर्ड से W प्रेस करके भी एक्सेस कर सकते हैं। ये वाला मैजिक टूल है, आप इस पर क्लिक करें, फिर अपने फोटो की बैकग्राउंड पर लाकर एक क्लिक करें, जिसके बाद आपकी बैकग्राउंड सेलेक्ट हो जाएगी। आपको जो भी बैकग्राउंड में कलर फिल करना है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें। मैं यहाँ पर ब्लू कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो आपके फोटो में बैकग्राउंड फिल
हो जाएगी। इस तरह से आप अपने फोटो की बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपने फोटो को फिर से पासपोर्ट बनाने के लिए क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। कीबोर्ड से सी प्रेस करें या फिर आप यहां से इस क्रॉप टूल को सेलेक्ट करें। फिर यहां पर आप पासपोर्ट फोटो का साइज फिल करें। इसके बाद अपने फोटो को आप क्रॉप करें। क्रॉप करते हुए ध्यान रहे कि आपके दोनों शोल्डर यहां पर बराबर क्रॉप हुए हों। फिर आप अपने कीबोर्ड से एंटर को प्रेस करें। आपका फोटो तैयार हो जाएगा। इसको न्यू शीट पर डालने के लिए आप कंट्रोल एन प्रेस करें या फिर फाइल में जाकर आप न्यू पर क्लिक करें। आपके सामने न्यू शीट का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर साइज फिल करना होगा। आप यहाँ पर 8x12 का साइज फिल करें। विड्थ में आप 8 टाइप करें। यहाँ पर आप इंचेस सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप 12 फिल करें। यहाँ पर भी आप इंचेस सेलेक्ट करें। रिजोल्यूशन को 300 रहने दें और कंटेंट्स में व्हाइट पर क्लिक रहने दें। फिर आप ओके पर क्लिक करें। आपके सामने एक न्यू शीट ओपन हो जाएगी। आप फिर से इस टूल बॉक्स से मूव टूल को सेलेक्ट करें। फिर इस फोटो को यहाँ से ड्रैग करके इस न्यू शीट पर ड्रॉप कर दें। अब इस पर आपको एक स्ट्रोक देना होगा। स्ट्रोक देने के लिए आपको एडिट पर जाना है। फिर यहाँ पर आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पर क्लिक करें। यहाँ से ब्लैक कलर को सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर साइज को 2 या 3 पिक्सल रखें और ओके पर क्लिक कर दें। आपके फोटो के चारों तरफ एक बॉर्डर फिल हो जाएगा। इसके बाद इस फोटो को अपनी शीट पर एडजस्ट करने के बाद आप इसकी कॉपीज तैयार कर लें। कॉपीज तैयार करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है और फोटो पर क्लिक करके इसको ऐसे मूव करें तो आपकी फोटो की कॉपी तैयार हो जाएगी। कॉपी तैयार करने के बाद जब शीट तैयार हो जाए तो आप उसको सेव कर लें। सेव करने के बाद आप उसको अपने फोन में डालकर किसी शॉप से प्रिंट भी करा सकते हैं और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से आप अपने पासपोर्ट फोटोज को तैयार कर सकते हैं और काफी आसानी से उनको प्रिंट कर सकते हैं। या फिर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप उसको किसी शॉप से भी प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद अगर आपको पासपोर्ट फोटो की जरूरत पड़ती है तो आप खुद से बनाए गए पासपोर्ट फोटोज को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।